रिसेंटली आपने भी बहुत दो तो तीन बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स किए और uh, कमाली का कैरेक्टर। नोबडी कैन फॉरगेट इट गुरु मेरा आप समझते हैं वैसे नहीं पजीराई मिल पाई जैसी मिलनी चाहिए थी बिकॉज ही इज वन ऑफ द मेन सपोर्टिंग कैरेक्टर ऑफ परिजाद उसमें सेठ बोज करीम को आप नहीं निकाल सकते सर सर उसमें से कोई भी किरदार नहीं निकाल सकते जब सेठ बोज करीम सब कुछ उसको दे गया तो उसके सामने मैं मैं कहाँ खड़ा था कमाली खड़ा था परिजाद की जगह और वो बैठा हुआ था सेठ साहब की जगह आप ये देखें लेकिन आप यकीन कीजिए मैं बिल्कुल मुँह की बात नहीं कर रहा मैंने छत्तीस जगह कहा नुमा जहाज कडो थे जामा एना हिट नहीं होता सर अल्लाह अकबर वो जो आपने किया है ना सर वो आपने मुझे बरगी शौकत अली के अंदर आपका मेरा सीन आया आपने सामने भाई। मुझे मैं डर रहा था आपने कहा यार तू कर तू बोल किया मैं कह सर वो वो आप वो लोग हैं जो हौसला देने वाले हैं जो थपकी देते हैं काका आगे लग जा किसी का सहारा बन जाते हैं छुप छुप के नेकियां करते हैं इससे पहले मैंने बादशाह किया आपने तारीफ की मेरे लिए उस वो दिन आज मुझे याद है वो सारा लमह जब चौसे आम खा रहे थे जी जी। और उसके बाद बाबा राजा किया ये वाला जो करेक्टर है कमाली मैं त्रेपन साल मेरी हूँ मेरा सर मैंने अपनी जिंदगी में छब्बीस तेईस साल का मेरा शुभ का करियर है आप इसको मुंह अपने मुंह मियाँ मिठ्ठू भी कह सकते हैं मैंने अपनी एज आज तक की शोबिस की जिंदगी में इतना छोटा ग्यारह या बारह सीन इतना स्पोर्टिंग सा करेक्टर मुन्ना सा हाँ वो सब इतना के... भी घोटे नहीं, दे, तो नहीं देखा था। हाँ, अच्छा इतना भी घोटे नहीं देखा ये ऐसा मालिक का करम है ऐसा मालिक का करम है कि आपको बता नहीं सकता और मैं आपको आपकी मौजूदगी में एक बात सुनाता हूँ मैं जिस दिन से ये अच्छा ये पहले तीन से सीन से हिट हो गया था इसके मीम्स बनने शुरू हो गए तो मैं रोज चला जाया करता था अपने बड़े बेटे को अली को लेकर रात को नौ दस बजे जाके ना तो मैं बैठ जाता था नारकली चौक में तो लोग आके सेल्फी बनाते थे, थे तो मेरी बीवी ने एक दिन पूछा महीना हो गया थी, कहां चले जाते हैं आप मैं यार अली और मैं जाके बैठ जाते हैं वहां और बनवाता मैं कि <laughs> आपको इतना शौक चढ़ गया शहरत का मैं कर नहीं मैं क्या बेगम ना मैं उस शख्स की बेटी उसके दमाद को मना कर सकता इसकी बेटी को मत मारा कर ना मैं किसी के बेटे को नौकरी दिलवा सकता ना मैं किसी की घर की तकलीफ या बीमारी दूर कर सकता लेकिन जब मैं चौक में उनको मिलता हूँ हाँ। और वो जो डेढ़ मिनट की हो तो कमाली साहब मैं मुखिल हो सकता हूँ हाँ। मैं कि यार ये वाली मोहब्बत बांटने के लिए जाता हूँ मुझे कोई शौक नहीं है मुझे तो शौक जवानी में था ऑटोग्राफ हाँ। देने का उस हाँ। वक्त तो उससे हाँ। तो कुछ मिला नहीं हाँ। तो अब आके इस उम्र में उम्र तो अपनी कटीश के बुता में मोमिन आखिरी वक्त में क्या खाक में सलमा होंगे अशमत जी गवांड ने गवांड ने वट सुपर हिट स्टफ जी बिल्कुल वो भी एक अजीब चीज थी क्योंकि हम दोनों ने ऐसे भोले भाई कर लिया और में नीलम नीलम बाजी ने लिखा था, था चूंकि हमारे बहुत दोस्त हैं उधर तो मैंने बाजी बिश्रा से कहा कि बाजी इसका कुछ करते हैं बाजी ने क्या लिखा है अच्छा कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं ठीक कर, ठीक करते हैं ऐसे ही हमने एक जगह पे एक जगह ली वहां पे ऐसे दीवार की बाजी ने फोन पे कहा ऐसे कर ले रख लें ले, 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 ले। और जब वो हुआ है तो अजीब चीज थी रास्ते में बाजी ने कहा इस पर गाना गाते है कोई गाना इस बीच पे कौन सा आएगा कौन सा आएगा इस तरह करते करते वो पता नहीं कैसे बन गया ये समझ नहीं आई वाह क्या कमाल हो गया वो एक चीज हिट होनी थी उसके बाद आपका ट्रैवल हुआ बाहर नहीं जी लोग, लोग तरस रहे हैं तरस रहे हैं वहाँ के लिए कि वहां वाले लोग कि आप आए और हम भी तरस रहे हैं कि हम जाए क्योंकि ये एक अनोखी चीज हुई है लेकिन बाहर के मुल्क में बहुत लोग दुनिया में पूरे बहुत अप्रीशियट करते।, करते हैं सफर नामे भी लिखते हैं ये कब से में आया ये बड़ा इतफाक है मैंने वीजा अप्लाई किया यूके का वो लग गया अठारह में मैंने अपने जो राइटर्स थे उनको कंपाइल किया चिकर छोले किताब छाप दी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करा ली वो हाँ। किस्सा गोई है छोटे-छोटे हाँ। किस्सों में नफ्स की नफी हाँ। नफ्स की शाम बताए बगैर वाह जिता इफ्फाक साहब करते थे माशाल्लाह वो चिक्कर छोले का क्या रिस्पांस मिला जी वो जी व्हाट एन अनयूजुअल नेम चिक्कर छोले चिक्करकर छोला हां हाँ। वो मैं यूके ले गया हाँ। वहां उसकी बड़ी पजीराई हुई बहुत उसकी तो जब मैं वापस आया तो मैंने एक ट्रैवल लॉग लिखा वो तो मैंने लिखा तो वैसे ही था जब मैंने तो कुछ लोगों से शेयर किया उन्होंने कि यार किताब क्यों नहीं छाप रही तो बड़ा बेहतरीन काम हो गया वाह अच्छा मैंने दूसरी किताब चापी, अगले साल फिर वीजा लगवाया फिर चला गया अब मैं वो जो मैं पार्क में वीडियोस हूं, मेरे अजीज वो पहला मेरे अजीज रेगुलर बेसिस पे काम पकड़ लिया कि मैं हर साल जाऊंगा और एक किताब नहीं दस। मेरा ख्याल है मुझे मैंने पचास साल के बाद लिखना शुरू किया हालांकि बानो आपा की जिंदगी में आपा मुझे कहती थी कि कंपाइल करके ला मैं लिखूँ उसका फ्लैप मैंने कहा मैं इस काबिल नहीं हूँ बड़ा छोटा सा आदमी हूँ लेकिन दूसरी बात यह है क्योंकि नागन के बाद आज तक काम ही नहीं मिला लिखने का कर्म जली और नागन आखिरी था चार साल से हम लिखा खास वजह आपको बेरोजगार हूँ नहीं मैं मेरा ख्याल है मैं सब स्टैंडर्ड लिखने वाला हूँ सब दादी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है और माशाल्लाह बेटे ने भी हां जी रोज ओपनिंग करती है बेटा कर जो है वो उसने गाना पकड़ लिया उसकी आवाज बहुत अच्छी है माशाल्लाह और हम सभी गा लेते हैं लेकिन वो एक जो जनूनी म्यूजिक जो जुनूनी होता है जनूनी सचमुच का और पैशन जिसका दरवाजा बंद और गायब तो आपके खानदान में जब शादी होगी आप लोग तो हमें किसी की जरूरत नहीं होगी मुझे एक सवाल शर्मा लग पड़ी आ, 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 ये साड़ी कहाँ से ली कहाँ से लाई हो ये भी पूछनी ये कहाँ से आई कहाँ से लाई हो ये झुमके झुमके भी पूछने कहाँ से आए क्यों बन आप बता कहाँ में मैंने अपना कपड़ों का ब्रांड शुरू किया था मैं फारिग नहीं रह सकती ना अच्छा मैंने किस नाम से अस्मा अबासमा जी उसकी सिर्फ आउटलेट लाहौर में है या कराची में कोई आउटलेट नहीं है उसकी अच्छा मैं ऑनलाइन कर रही हूँ काम मेरा जो ये कपड़ों का ब्रांड है इसकी भी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये मैंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को डेडिकेट किया है और मेरे हर कपड़े का नाम हर एक्ट्रेस के नाम से है जैसे दीबा गरारा नैय सुल्ताना गरारा संगीता सूट फिरदस शलवार नगमा शलवार क्योंकि हमारी असल इंडस्ट्री तो वही थी जो गुजर गई और अब मुझे इतना अच्छा लगता है कि हमारी न्यू जनरेशन जो है जब वो मुझे मैसेज करते हैं कि निशो शलवार और शबनम कोटी की क्या प्राइज़ है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनके मुंह से उनके नाम निकलते हैं और मैं उसके लिए सबसे पहले अपने पेज पे उनके बारे में इंट्रो देती हूँ ये कौन खातन थी इन्होंने किस किस फिल्म में काम किया इनका क्या रोल था उसके बाद उनका एक आधा गाना लगाती हूँ फिर वो कपड़े बतूँ कि ये वाला ड्रेस उनके नाम है ऑनलाइन रिस्पांस मिला आ, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और ख़ास तौर पे बाहर के लोग जो है ना बस वो तो पागल ही हो गए क्योंकि मैं अपने हाथ से बनाती हूँ क्या बात यहां वक्त हुआ है जी एक छोटी सी ब्रेक का कहीं मत जाइएगा <प्राणागाँ> वेलकम बैक जी सरकार जी सामिया जी किस किस सितारे क्या कहते हैं तो बताइए अच्छा जी सबसे पहले हम मल्लिका जज्बात सितारों फुल ऑफ इमोशंस फुल ऑफ सेंटिमेंट रो भी चलती पड़ती है हाँ जी <laughs> बहुत जल्दी परफेक्ट <laughs> वाइफ है चाहे वो इनके बच्चे हैं बहन भाई हैं इनके हस्बैंड हैं उनकी छोटी 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 जरूरतों से भी इनको इश्क हो रहा है इसी तरह अगर आप इनको अपने घर में जिस तरह आप ऑर्गेनाइज में इनको देखती हूँ घर में कोई चीज यहाँ से यहाँ रख देंगे तो इस बात पे पैनिक हो सकता है <laughs> बाकी हर बात पे माफी है <laughs> इनके पीछे लोगों के बड़े क्रशिस रहे होंगे <laughs> वो तो या इन्होंने घास नहीं डाली है इनको समझ नहीं आई वो बेचारे गुजर गुजर गए ख्याल में समझ नहीं आई जो फौजी है उनकी तो लॉटरी लग गई क्योंकि ये इतने ममता भरा अब बीवी है कि जो है माशा मतलब <laughs>